से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा बीजेपी की आज छोटी टोली की बैठक हो सकती है। सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सहित कई अन्य नेता भी शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। दिल्ली से यह खबर है, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। हरियाणा बीजेपी की आज छोटी टोली की बैठक हो सकती है। हरियाणा बीजेपी छोटी टोली की बैठक, जिसमें नायब सिंह सैनी भी पहुंचेंगे, मोहनलाल बडोली भी होंगे, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा जो है इसमें की जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर जो है बैठक को लेकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है छोटी टोली की बैठक आज हरियाणा बीजेपी कर सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की दिल्ली से सूत्रों के हवाले से सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की बैठक को लेकर, और क्या आपके पास जानकारी? बिल्कुल, देखिए सुश्री, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा है। दिल्ली पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। सूत्रों की माने तो अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में कहा जा रहा है कि वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे। वहीं सूत्रों की माने तो एक थोड़ी थोड़ी की बैठक आज होने वाली है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीतियों को लेकर के चर्चाएं की जाएगी इस बैठक में, कहा जा रहा है। चुनाव प्रभारी, सूत्रों की माने तो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं है कि ये बैठक होने वाली है। हालांकि 5:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है, जिसमें कई बड़ी चीजें मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हीं कसर से ही कही जा सकती है। साथ ही अगर बैठक की बात करते हैं तो एक छोटी टोली की बैठक कही जा रही है। साथ ही इनके इन 3 नेताओं के अलावा और भी कहे जा रहे हैं कि नेता इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। आगे की रणनीतियां क्या कुछ चीजें रहने वाली है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, ये तमाम चीजें इस बैठक में डिस्कस की जा सकती है। चलिए, शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी।